मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स की इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कुछ जो फिनोमिना हैं उनको जो एक्सप्लेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो हमारा फिनोमिना था दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए, ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी कैसे होता है और एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, उसका सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन फॉल आउट हुई, ये कोई बॉडी है मेरी, ये उसका सरफेस है, और इसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन फॉल आउट हुई, ये बॉडी क्या करेगी, इस रेडिएशन की कुछ अमाउंट को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ अमाउंट को क्या कर लेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, और कुछ अमाउंट को क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी, ठीक है। तो दैट मीन्स जैसे ही रेडिएशन इस नॉर्मल बॉडी पे फॉल आउट हुई, तो इस बॉडी ने क्या किया, उसकी कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर दिया, और कुछ अमाउंट को क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉडी मेरे पास कैसी बॉडी होती, ब्लैक बॉडी होती, अगर ये सरफेस क्या होता, ब्लैक पेंटेड होता है, या बॉडी मेरे पास कैसी बॉडी होती, ब्लैक बॉडी होती, तो ये ब्लैक बॉडी क्या करती कि अपने ऊपर जितनी भी इसके ऊपर रेडिएशन फॉल आउट हो रही है, तो उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो रेडिएशन थी उसको वो क्या कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो ब्लैक बॉडी होती है, जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो इसका मतलब एक नॉर्मल बॉडी है और अगर एक ब्लैक बॉडी है और दोनों के ऊपर रेडिएशन फॉल आउट हो रही है, तो जो ब्लैक बॉडी होगी हमारी वो क्या कर लेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। सेकेंड बात करते हैं एमिशन की, एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जब हम एमिशन ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, या फिर कोई भी मेरे पास सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और इनकी वाइब्रेशन की वजह से ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और ऐसी ये जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम, एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो दैट मीन्स जब भी कोई भी एक नॉर्मल हमारे पास जो भी सब्सटेंस है वो क्या करता है, रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है, क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस, या फिर मैं बोलूँ सब्सटेंस की जगह डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एक मेरे पास ये प्लेन ऑफ पेपर है और एक मेरे पास ये कोई बुक पड़ी है, ठीक है। तो अब इन दोनों ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब इन दोनों की सेम टेम्परेचर को पर एमिशन करने की जो पावर है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट सब्सटेंस की क्या हो सकती है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या हो सकती है, पावर हो सकती है क्या करने की, रेडिएशन को एमिट करने की, ठीक है। अगर यही बॉडी मेरे पास क्या है, अगर ब्लैक बॉडी होगी, क्या होगी, ब्लैक बॉडी, अगर यहाँ मैं क्या ले लूँ अब, ब्लैक बॉडी, सेम टेम्परेचर पे है, मान लो ये बॉडी भी मेरी क्या थी, 25 डिग्री सेल्सियस पर थी, और ये जो मैंने ब्लैक बॉडी ली है ये भी क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो जब हम सेम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी की जो टेंडेंसी होती है क्या करने की, रेडिएशन को एमिट करने की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी। दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया कि ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर तो है ही है, साथ ही साथ ब्लैक बॉडी क्या है, परफेक्ट एमिटर भी है, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि अगर मेरे, मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए टेम्परेचर अगर मेरा लो था, टेम्परेचर क्या था, अगर लो था, तो जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, लो थी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, मतलब जो रेडिएशन जो एमिट हो रही हैं किसी भी बॉडी से, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, हमारी बढ़ जाती है। तो क्या हो गया,
अगर मैं कंपेयर करती हूँ एक नॉर्मल बॉडी का और एक ब्लैक बॉडी का, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, ब्लैक बॉडी जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, रेडिएट करती है, क्या करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, रेडिएट करती है। सेम अगर मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है, ये रेडिएशन एमिट कर रही थी, मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो जैसे मैं इसको हीट करूँगी तो जो रेडिएशन ये एमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हीट करने से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगी, जो रेडिएशन वो एमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से ब्लैक बॉडी की क्या डेफिनेशन आ गई हमारे पास, वो बॉडी जो क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन होती है। एमीटर मतलब रिलीज कर रही है, एमीटर ऑफ रेडिएशन होती है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और वो जो रेडिएशन वो एमिट करती है वो जनरली हमारी, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी जो फिनोमिना है उसको हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक मेरे पास पोलो एक बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है, जिसका सिर्फ ओपन है वन हैंड, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया, शार्पन कर दिया एज को, ताकि जो रेडिएशन अंदर आए वो रिफ्लेक्ट होके बाहर ना जाए, ठीक है। तो जैसे ही क्या होगा हमारी जो, और साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, इसको अंदर से क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया, और ये जो बाहर बॉडी है यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, ताकि कोई भी हीट जो है एक्सचेंज ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इस बॉडी के ऊपर इस होल से रेडिएशन फॉल आउट करेगी, तो रेडिएशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जितनी भी रेडिएशन गई इस होल के अंदर वो क्या है, फुल्ली क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ब्लैक बॉडी यहाँ किसकी तरह काम कर रही है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर की तरह क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। अब ऐसी ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, देखो क्या होगा, जैसी जो लाइट है अंदर जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो जाएगा। अब ऐसी बॉडी को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगी, ऐसी बॉडी क्या करेगी, ग्लो करेगी, क्या करेगी, ग्लो करेगी। क्यों करेगी ग्लो, क्योंकि जब हम इसको हीट करेंगे ब्लैक बॉडी क्या करेगी, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करेगी, एमिट करेगी, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेडिएशन एमिट कर रही है ना ये ब्लैक बॉडी, ये कोई एक वेवलेंथ नहीं कंटेन कर रही है, ये क्या कंटेन कर रही है, अ नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ वेवलेंथ की लाइट क्या करती है, वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो क्या करती हैं, ये कंटेन करती हैं। और इसी नंबर ऑफ वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दैट मीन्स जो रेडिएशन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिट करती हैं वो किस फॉर्म में एमिट करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या करती हैं, वो एमिट करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जो रेडिएशन वो एमिट कर रही हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है। और डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, आगे बात समझ। तो वो रेडिएशन जो एसोसिएटेड होती है किसी भी ब्लैक बॉडी के साथ, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। और जो वो वेवलेंथ होती हैं वो क्या होती हैं, जो है वो क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं वो रेडिएशन, और वो जनरली क्या होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। साथ ही साथ अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, तो जो ये वेवलेंथ होती है ना किसी भी रेडिएशन की, वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी, और एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा, तो वेवलेंथ क्या है, घट जाएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या है हमारी किसी भी रेडिएशन की, बढ़ जाएगी, जिससे जो वेवलेंथ है वो क्या है, लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाएगी, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। किरचॉफला कुछ भी नहीं है, किरचॉफला कहता है कि मान लो कोई बॉडी है वो अगर क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो परफेक्ट एमिटर भी होगी, ठीक है, और अगर वो पुअर एब्जॉर्बर है तो वो पुअर एमिटर भी होगी।
ठीक है, क्या कहता है किरचोफला, किरचोफला कहता है कि कोई बॉडी है अगर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो परफेक्ट एमिटर भी होगी, और अगर वो परफेक्ट क्या है पुअर एब्जॉर्बर है तो वो पुअर एमिटर भी होगी। तो बस यही करना है किरचोफला में, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, थैंक यू।